नमस्कार दोस्तों, कैसे आप छोटी दिवाली के दिन एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देकर 2100 रुपए का कैश प्राइज विन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके लिए कौन सा ग्रैंडलीग का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, साथ में हम ड्रीम इलेवन टीम के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस, मतलब आपके लिए बहुत कुछ सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। साथ में दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जी हाँ दोस्तों, विनर का नाम आपके लिए अनाउंस टेलीग्राम पर ही किया जाएगा और आफ्टर टॉस जो फाइनल टीम है ना, वो भी टेलीग्राम पर मिलेगी। आप देखोगे जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, उसमें हमने मिचेल सैडनर को लिया और मिचेल सैडनर ने 3 विकेट चटकाए। तो आप समझ सकते हो कि दोस्तों हम कैसी टीम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। इससे पहले दोस्तों जो महिलाओं का मैच था, इसमें हमने दोस्तों टैमी बेमंट को लिया था और इन्होंने भी दोस्तों शानदार 102 पॉइंट दिए, 77.5 रन का स्कोर किया था। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए टेलीग्राम से जुड़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम की फैंटेसी क्रिकेट ज्ञानी के नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल मिलने वाला है, जी हाँ दोस्तों। तो आप थोड़े कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, आपको फैंटेसी क्रिकेट ज्ञानी के नाम से टेलीग्राम मिलेगा। वो टेलीग्राम के साथ कुछ इशू हो गया था दोस्तों, इस वजह से नाम चेंज करना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले वेन्यू के बारे में। वेन्यू के बारे में बात करें तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला होने वाला है और पिछले कुछ समय से दोस्तों यहाँ पर बारिश हो रही है, जी हाँ दोस्तों। हालांकि कल मौसम सिर्फ क्लाउडी है तो मैच पूरे होने के चांसेस हैं और पूरे 20-20 ओवर का संभवतः मैच खेला जाएगा, जी हाँ दोस्तों। और कुछ भी आगे पीछे होता है तो आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा, प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, टोटल T20 14 मुकाबले खेले गए, इनमें से पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए 9 मुकाबले विन किए हैं। दोस्तों यदि इंडिया टॉस जीतती है तो आपके लिए सेकंड बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि इंडिया चेस में माहिर मानी जाती है। तो आपके लिए वैसे संभवतः पाकिस्तान भी दोस्तों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की भूल तो नहीं करेगी इंडिया के खिलाफ। तो जो टीम टॉस जीतेगी सेकंड बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएगी। अब बात करें एवरेज के बारे में, एवरेज 141 निकलकर यहां पर आता है, जी हां दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय T20 का 141, जबकि बात की जाए डोमेस्टिक के बारे में तो डोमेस्टिक का एवरेज दोस्तों 160, लगभग 20 रन बढ़ जाता है। डोमेस्टिक और दोस्तों इंटरनेशनल के बॉलरों में बहुत बड़ा अंतर होता है, इस वजह से आपके लिए एवरेज में आगे पीछे देखने को मिलता है। बात करें हाईएस्ट टोटल इंडिया ने 184 बनाया था और लोएस्ट भी इंडिया का 174 है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के लिए विकेट शूट भी करती है और नहीं भी करती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, विकेट पेस बॉलर के अकॉर्डिंग रहेगी, स्पिनर को शायद इतनी मदद ना मिले, लेकिन डायमेंशन बड़े हैं ग्राउंड के तो स्पिनर को थोड़ा सा हेल्प वहां पर मिल सकती है। यदि स्पिनर स्ट्रेट में बल्लेबाज से रन खाने की कोशिश करेगा, मतलब फ्लाइटेड गेंदबाजी करेगा, इसमें हमारे चहल माहिर हैं, जी हाँ दोस्तों चहल माहिर हैं। चहल आपके लिए कुछ कर दे सकते हैं। यदि आप ग्रैंडलीग की टीम में चहल को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बात करें हेड टू हेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच 11 मुकाबले खेले हैं, इनमें से इंडिया ने 8 मुकाबले और पाकिस्तान ने 3 मुकाबले भी किए हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेन्यू पर स्कोरिंग पैटर्न का देखोगे, 150 और 150 से नीचे 9 बार, 150 से 169 तक 3 बार, 170 to 189 2 बार और 190 एबव आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों तो एक भी बार स्कोर देखने को नहीं मिला। तो संभवतः मुझे जहां तक उम्मीद है दोस्तों 170 के आसपास स्कोर देखने को मिल जाएगा, जी हाँ दोस्तों 170-175 के आसपास स्कोर देखने को मिल जाएगा, चाहे इंडिया पहले बल्लेबाजी करे या पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे। अब मुझे लगता है, आपको क्या लगता है वीडियो पर कमेंट कर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो में सिंपल से आपके पास 2 क्वेश्चन रखे हैं, उनका आंसर देकर, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, उसका आंसर देकर आप हमारे 2100 रुपये की कैश प्राइज विन कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए दोस्तों दोनों ही टीमों की संभावित 11 आप देख लीजिएगा। दोस्तों मैं यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अभी प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस करने वाला हूं। आप वीडियो रोककर या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर दोस्तों आप यहां पर वीडियो पॉज कर प्लेइंग 11 देख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस के बारे में। प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस के बारे में चर्चा की जाए तो केएल राहुल जो कि ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे और रिसेंटली काफी अच्छे फॉर्म में हैं। केएल राहुल का देखोगे आप रिसेंटली 57-74 दोस्तों 57-51, मतलब लास्ट की 4 इनिंग्स में कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं खेली जिसमें इनकी 50 नहीं आई हो। तो बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। हेड टू हेड बात करें 3 मुकाबले खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ और दोस्तों एवरेज 10 का है। यहाँ पर थोड़ा सा निराश हमें होना पड़ता है, मात्र 31 रन ही बनाए हैं, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा प्लेयर और रिसेंट फॉर्म अच्छा है तो आप इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो, भले ही पाकिस्तान के खिलाफ इतना अच्छा ना खेले हों। आप देखोगे यहां पर
फर्स्ट इनिंग में दोस्तों इन्होंने 32 बार बल्लेबाजी की है, इसमें 1206 रन बनाए हैं, 38 का एवरेज है। और वहीं सेकंड इनिंग्स में 30 बार बल्लेबाजी की है, 931 रन बनाए हैं, 40 का एवरेज। मतलब सेकंड बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं बजाय फर्स्ट इनिंग के। उसके बाद बात की जाए दोस्तों जो ओवरऑल T20 है ना वो आप अपने आप देख लीजिएगा, ज़्यादा मतलब नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। रोहित शर्मा का आप यहाँ पर देखोगे तो 15 रन यहाँ पर खेले नहीं थे दोस्तों, 3 रन 43 रन। लास्ट की 4 इनिंग्स में सिर्फ एक इनिंग्स बेहतरीन आई है, तो ग्रैंडलिक की शानदार चॉइस है। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंडलिक की शानदार चॉइस है। ग्रैंडलिक में आप इन्हें जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करिएगा, लेकिन स्मॉल लीग में आप इन्हें अवॉइड कर भी चल सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। आप देखोगे हेड टू हेड 10 मुकाबले खेले हैं, जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ 10 मुकाबले खेले हैं, 110 रन है और लगभग 15 का एवरेज है। कुछ खास नहीं है रोहित शर्मा का भी, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा रोहित शर्मा का कुछ खास नहीं है। केएल राहुल की भी सेम स्थिति है, 123 का इनका स्ट्राइक रेट है। उसके बाद बात कीजिए आप वेन्यू पर भी दोस्तों रोहित शर्मा ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, 4 मुकाबलों में मात्र 68 रन बनाए हैं, हालांकि 34 का एवरेज आ रहा है क्योंकि दोस्तों एक आध बार नॉट आउट है चले गए थे। यदि बात की जाए फर्स्ट इनिंग में दोस्तों रोहित शर्मा का आप देखोगे तो 71 इनिंग्स में 2274 रन बनाए, 36 का एवरेज रहा है, 140 का स्ट्राइक रेट है। वहीं सेकंड इनिंग्स में मात्र 27 के एवरेज, मतलब सेकंड इनिंग्स में रोहित शर्मा इतना अच्छा नहीं खेलते, इस बात को आप मानकर चलिएगा। पहली इनिंग्स आती है दोस्तों रोहित शर्मा को आप ग्रैंड लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जरूर दें। स्मॉल लीग के आपके लिए कंफर्म कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेंगे दोस्तों टेलीग्राम पर मिलेंगे, तो प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसा आप सभी को पता है हमें जल्द से जल्द, जी हाँ दोस्तों जल्द से जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे करना है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देखते हैं दोस्तों कितने जल्दी आप टोटल सब्सक्राइबर पूरे कराते हो। उसके बाद बात करें विराट कोहली 2.0, जी हाँ दोस्तों एशिया कप से इनका 2.0 परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। आप देखोगे 90 रन लास्ट मुकाबले में किए, 49 3 रन, और एशिया कप में बहुत शानदार खेले। उसके बाद दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ये ठीक ठाक खेले। इनका देखोगे हेड टू हेड में 9 मुकाबले खेले हैं, 406 रन बनाए, इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं और आप इन्हें ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। जी हाँ दोस्तों आप इन्हें ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में। 67 का एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से अच्छे खेलते हैं, और 119 का इनका स्ट्राइक रेट है। इनका देखोगे दोस्तों वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 90 रन बनाए हैं, लगभग 90 का एवरेज है, मतलब दोस्तों नॉट आउट है ज़्यादा बार गए, नॉट आउट जाते हैं दोस्तों 100 का एवरेज मिलता है, इसलिए यहाँ पर एवरेज बढ़ जाता है। वैसे 3 मुकाबलों के हिसाब से 30 का एवरेज हो रहा है, लेकिन 1-2 बार नॉट आउट गए हैं। यहाँ पर देखोगे फर्स्ट इनिंग में दोस्तों इनका 57 इनिंग्स हैं, 1811 रन है, 39 के एवरेज। वहीं यदि सेकंड इनिंग्स देखोगे दोस्तों तो इनका कुछ एवरेज बढ़ जाता है, लगभग 70 का एवरेज हो जाता है। तो सेकंड इनिंग्स आती है यदि इंडिया की तो बिल्कुल स्मॉल लीग में आप इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, और फर्स्ट इनिंग में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल है तो आपको काफी इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। दोस्तों इन तीनों की कमजोरी मैं बताना भूल गया था, बता देता हूं। केएल राहुल आपके लिए दोस्तों जो समी टाइप के गेंदबाज होते हैं, एक टप्पे पर गेंदबाजी करते हैं और वहीं से थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर करते हैं, जी हां दोस्तों थोड़ा अंदर और बाहर करते हैं, उसके खिलाफ प्रॉब्लम आती है। तो निशम शाह हैं दोस्तों, उनके खिलाफ इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, और थोड़ा बहुत ऑफ स्पिनर के सामने भी स्ट्रगल करते हैं। रोहित शर्मा दोस्तों लेफ्ट आर्मर स्विंग बॉलर, मतलब जो गेंद इनसे रोहित शर्मा से बाहर जाती है, जी हां दोस्तों रोहित शर्मा से छोड़कर बाहर जाती है, उस गेंदबाज के खिलाफ रोहित शर्मा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और सेकंड बात दोस्तों लेग स्पिनर के खिलाफ, मतलब सदाब खान और सेंसा अफरीदी काफ़ी बार रोहित शर्मा को आउट भी कर चुके हैं। तो ये दो प्रॉब्लम रोहित शर्मा के साथ हो सकती हैं, यदि इन दोनों से बच गए ना तो रोहित शर्मा बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। सेम दोस्तों जो कमजोरी रोहित शर्मा की है वही विराट कोहली की भी कमजोरी है। तो दोस्तों सेंसा अफरीदी और सदाब खान दोनों कमजोरी हैं। निशम शाह शायद आउट ना कर पाए, लेकिन आपने देखा होगा एशिया कप में निशम शाह ने ही विराट कोहली को आउट किया था एक आध मैच में, लेकिन प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। अब आए हैं द सूर्या, मिस्टर 360 इन इंडिया, जी हां दोस्तों 360 आप बन ही कह लीजिएगा दोस्तों, कम तो नहीं है। आप देखोगे इनका तो रिसेंट 50 रन बल्लेबाजी नहीं है, 52 रन 8 रन 61 रन, लगभग लास्ट की 4 इनिंग्स में 350 इनकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और कहीं भी ये शॉट मारते हैं। और खासतौर पर दोस्तों एक बात इनकी कि इनकी कोई भी कमजोरी ऐसी खास नहीं है, जी हां दोस्तों कोई भी कमजोरी खास नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मुकाबले खेले हैं, 12 रन बनाए हैं, 14 का एवरेज है दोस्तों, 116 का स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान के खिलाफ यदि विराट कोहली अलावा देखोगे ना तो किसी ने स्कोर नहीं किया। फर्स्ट इनिंग में 19 बार बल्लेबाजी की है, 32 का एवरेज है दोस्तों। सेकंड इनिंग्स में 13 बार बल्लेबाजी की है और यहां पर 51 का, मतलब ये भी सेकंड इनिंग्स में बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात आती है हार्दिक पांड्या, जो कि आपके लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से अच्छा स्कोर कर दे सकते हैं, और आपकी स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की, जी हां दोस्तों
स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। तो आप इन्हें अपनी टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। आप देखोगे रिसेंट इतना अभी फॉर्म तो नहीं है दोस्तों, बल्लेबाजी से प्लस गेंदबाजी से इतना अच्छा ज़्यादा फॉर्म नहीं है, तो आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लीजिएगा। इन्होंने दोस्तों 5 मुकाबलों में बल्लेबाजी के इनके खिलाफ 44 रन बनाए हैं और साथ में दोस्तों 14 का एवरेज है। प्लेयर अच्छे हैं दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। 4 मुकाबलों में 8 विकेट निकाले। गेंदबाजी इनके खिलाफ इन्होंने अच्छी की है और दोस्तों रिजवान को काफ़ी बार आउट किया है, याद रखिएगा यहाँ पर इन्होंने रिजवान को काफ़ी बार आउट किया है। इसके बाद यदि बात की जाए फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग्स, आप इनका भूल जाइए, ज़्यादा मत देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ी बहुत बल्लेबाजी इनकी आती है। वहीं बात की जाए यहाँ पर दिनेश कार्तिक, दोस्तों इंडिया में सबसे लंबा T20 करियर है तो वो दिनेश कार्तिक का है। इनका देखोगे रिसेंट ठीक ठाक फॉर्म चल रहा है और इन्हें इतनी गेंदें मिलती हैं खेलने के लिए। हेड टू हेड में यदि बात की जाए 2 मुकाबले खेले हैं, 12 रन बनाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ और इनका एवरेज भी देखोगे 12 का है। स्ट्राइक रेट 120 का है। वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले हैं, 8 रन बनाए। वेन्यू पर इतना कुछ खास नहीं किया है। इन्होंने 25 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी की है और 20 का एवरेज है और 20 मुकाबलों में सेकंड बल्लेबाजी की है दोस्तों 55 का एवरेज, मतलब सेकंड बल्लेबाजी ये भी करते हैं। यदि आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपके लिए शुरुआत में ही बताया था कि इंडिया में आपको दोस्तों जो चेस करते हुए आएंगे ना वो प्लेयर कुछ ज़्यादा मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर देखोगे अक्षर पटेल का, अक्षर पटेल खेलेंगे या दोस्तों एक स्पिनर के साथ जाते हैं या 2 स्पिनर चहल के साथ और अक्षर पटेल दोनों के साथ जाते हैं, इसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी। प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन करना हमारा बिल्कुल मत भूलिएगा। अक्षर पटेल का आप देखोगे दोस्तों हेड टू हेड इन्होंने कोई खेला नहीं है, रिसेंट भी इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। और दोस्तों सेकेंड बात इनकी बताऊँ कि एक लाइन टू लाइन गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी से आपके लिए यहां पर एक कुछ इंपोर्टेंट हो सकते हैं। इनका देखोगे दोस्तों तो पहली इनिंग्स में ओवरऑल देख लीजिए आप, छोड़िएगा इनका 32 मुकाबलों में दोस्तों 162 रन बनाए हैं, 16 का एवरेज है और 31 इनिंग्स में गेंदबाजी की 31 विकेट निकाले, मतलब एक्यूरेट रहते हैं गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी के लिए। हेड टू हेड आप देख लीजिएगा, वीडियो में ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता हूं। हर्षल पटेल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आपके लिए हैं और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों कुछ चेंजेस होगा तो अपडेट आपके लिए मैं टेलीग्राम पर करूंगा, क्योंकि इंडिया या 4 पेस बॉलर के साथ जाएगी या फिर प्रॉपर 2-3 पेस बॉलर और दोस्तों 2 स्पिनर के साथ जाएगी, उसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी। तो प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन करना हमारा बिल्कुल मत भूलिएगा। हर्षल पटेल का आप देखोगे पहली इनिंग्स में 9 इनिंग्स में गेंदबाजी की 11 विकेट चटका है और दोस्तों सेकंड इनिंग्स में इन्होंने 13 इनिंग्स में गेंदबाजी की 15 विकेट चटका है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर विकेट चटकाते हैं और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, इस बात को आप याद रखकर चलिएगा। डेथ ओवर में आपके लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार शुरुआत में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, यदि शुरुआत में थोड़ी बहुत भी स्विंग मिलती है ना तो पाकिस्तानियों की सामत ले आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही तो 2 रुपए छाप होते हैं पाकिस्तानी, उनकी ये सामत ले आएंगे। आप देखोगे 2 विकेट 2 विकेट, मतलब स्विंग का तो जादूगर आप इन्हें कह सकते हो। हेड टू हेड में 6 मुकाबले खेले 11 विकेट, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ यदि सबसे अच्छा रिकॉर्ड है ना, सॉरी 6 मुकाबलों में 10 विकेट हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यदि सबसे अच्छा रिकॉर्ड है तो वो भुवनेश्वर कुमार का ही है। भुवनेश्वर कुमार को आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बात करें तो पहली इनिंग्स में उन्होंने 32 मुकाबलों में गेंदबाजी की 34 विकेट निकाले हैं, सेकंड इनिंग्स में 46 मुकाबलों में गेंदबाजी की 51 विकेट निकाले हैं, 18 का स्ट्राइक रेट है और फर्स्ट इनिंग में 21 का है, मतलब सेकंड इनिंग्स थोड़ी अच्छी इन्हें लगती है। उसके बाद अर्शदीप सिंह के बारे में बात करें, इंपोर्टेंट गेंदबाज हैं दोस्तों, लेफ्ट आर्मर गेंदबाज हैं और इन्हें भार नहीं करना चाहिए। मोहम्मद शमी की जगह बनती है मैं मान रहा हूँ, लेकिन इन्हें भी भार नहीं करना चाहिए। अब वो भार किसे करेंगे दोस्तों वो अलग क्वेश्चन रहेगा, खैर अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन करना हमारा बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर देखोगे इनका अर्शदीप सिंह का 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, रिसेंटली काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका काफ़ी हाई है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक कैच जरूर इन्होंने छोड़ा था दोस्तों, वो इन्हें जिंदगी भर सालेगा। खैर बात करते हैं यहाँ पर 2 इनिंग्स में इनके खिलाफ गेंदबाजी की है, 3 विकेट चटका है, इंपोर्टेंट गेंदबाज हैं, इन्हें आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। आप देखोगे 3 इनिंग्स में पहले गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटका है और उसके बाद बात की जाए सेकंड इनिंग्स में 10 इनिंग्स में गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट चटका है। प्लेयर इंपोर्टेंट हैं बिल्कुल, डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए दोस्तों मोहम्मद शमी, जो कि सबसे इंपोर्टेंट फेज है और मेरा मानना था यदि बुमराह बाहर हुए हैं तो इन्हें खिलाना चाहिए और बुमराह के साथ भी इन्हें खिलाना चाहिए था दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट गेंदबाज हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रिसेंट प्रैक्टिस मुकाबला खेले थे उसमें इन्होंने अच्छे गेंदबाजी की थी, 3 विकेट चटकाए थे। इनका देखोगे हेड टू हेड में 2 मुकाबलों में 1 विकेट चटकाया है, हालांकि इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपके लिए काफ़ी शानदार गेंदबाज हैं। आप देखोगे पहले गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 10 इनिंग्स में 11 विकेट चटकाए हैं, सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करते हुए दोस्तों
सात इनिंग्स में सात विकेट चटकाए, मतलब एक लगभग बराबर परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। मोहम्मद शमी इंपोर्टेंट है, आप ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। दोस्तों यहाँ पर यदि युजवेंद्र चहल को खिलाते हैं तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं युजवेंद्र चहल। जी हाँ दोस्तों, युजवेंद्र चहल इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर किसी को भी मौका मिलेगा ना, अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी, आप यहाँ पर रिकॉर्ड देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान के बारे में। मोहम्मद रिजवान का देखोगे तो ये भी पाकिस्तान की ओर से बहुत कंसिस्टेंस प्लेयर हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये चल गए तो मुकाबला हारेगी इनकी टीम, इस बात की मुझसे गारंटी ले लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि मोहम्मद रिजवान रन करते हैं तो टीम इनकी मुकाबला हारेगी। दोस्तों आपके लिए 2100 पेटीएम कैश का क्वेश्चन मैं यहां पर पूछ लेता हूं, इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? जी हां दोस्तों, रन कौन बनाएगा और सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा? आप इसका सही आंसर दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन का, आपको हमारी तरफ से 2100 रुपए का पेटीएम कैश दिया जाएगा। याद रखिएगा, आप लिख सकते हो रन, RUN रन, और के बाद इसके बाद उस प्लेयर का नाम लिख सकते हो जो आपको लगता है, और यहाँ पर विकेट लिखकर फिर उस प्लेयर का नाम लिख सकते हो जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा विकेट चटकाएगा। तो आप दोस्तों इसका सही आंसर दीजिएगा, आप बिल्कुल 100% 2100 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा, और साथ में ही दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम पर विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखोगे आप मोहम्मद रिजवान आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आप देखोगे इनकी टीम यदि ये चलेंगे तो दोस्तों इनकी टीम मुकाबला हारेगी। इंडिया के खिलाफ 3 मुकाबले खेले, 113 रन बनाए, 96 का एवरेज। इंडिया के खिलाफ हमेशा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इंपोर्टेंट प्लेयर है, नोट करिएगा एज अ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 30 बार बल्लेबाजी की है और 64 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग्स में 32 बार बल्लेबाजी की है और 41, मतलब फर्स्ट इनिंग में थोड़ा अच्छा खेलते हैं, सेकेंड इनिंग्स में इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। उसके बाद बात की जाए दोस्तों बाबर आजम, इनकी दोस्तों इनके रिजवान की कमजोरी के बारे में आपके लिए बता देता हूँ। रिजवान की कमजोरी है दोस्तों, इनसे दूर गेंद फेंकिएगा, लगभग वाइट लाइन के आसपास गेंदबाजी करिएगा, जो वाइट की लाइन होती है ना, वाइट की लाइन होती है ना, उसके आसपास गेंदबाजी करिएगा, क्योंकि ये हर एक बॉल को लेग में मारने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ये फेल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है इंडियन बॉलर भी यही स्कीम अपनाने वाले हैं। उसके बाद बात की जाए बाबर आजम, बाबर आजम का देखोगे 6 रन यहाँ पर बल्लेबाजी आई नहीं दोस्तों, 55 रन और 21 रन, कुछ रिसेंट फॉर्म में वापसी जरूर की है इन्होंने, लेकिन इंडिया के खिलाफ 3 मुकाबलों में 92 रन किए हैं। दोस्तों इंडिया के खिलाफ इतनी अच्छी बल्लेबाजी ये नहीं करते हैं। इनका देखोगे फर्स्ट इनिंग में 47 बार बल्लेबाजी की है और 44 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग्स में देखोगे आप दोस्तों 40 बार बल्लेबाजी की है, 42 का, लगभग एक जैसे खेलते हैं फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग्स में। इंडिया के खिलाफ अच्छे खेलते हैं दोस्तों, ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं और इनकी कोई कमजोरी नहीं है, हालांकि आउट स्विंगर तो कमजोरी है, लेकिन वो अर्शदीप इन्हें आउट कर सकते हैं जल्दी से, प्लेयर इंपोर्टेंट हैं दोस्तों, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। फकर जमान खेलेंगे या इनकी जगह किसी और को मौका मिलेगा, उसके बारे में भी अपडेट मैं आपके लिए टेलीग्राम पर कर दूंगा। दोस्तों इनकी कमजोरी है फील्डिंग इनसे नहीं होती है, और ऑफ स्पिनर इन्हें जल्दी आउट कर सकता है, ऑफ स्पिनर हालांकि इंडियन टीम में अभी कोई है नहीं, यदि अश्विन को खिलाएंगे तो अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी, प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेड टू हेड यदि देखोगे 3 मुकाबले खेले हैं, इंडिया के खिलाफ मात्र 25 रन बनाए, वैसे बहुत अटैकिंग बल्लेबाज हैं, याद रखिएगा मिचेल स्टार्क की एक बार काफी ठुकाई इन्होंने की थी। फर्स्ट इनिंग में 39 बार बल्लेबाजी की है, 20 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग्स में दोस्तों 26 बार बल्लेबाजी की है, 23 का एवरेज है। उसके बाद शान मसूद दोस्तों देखोगे इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं खेले और ज़्यादा इनका रिकॉर्ड हैवी नहीं, तो टोटल रिकॉर्ड देख लीजिए, 12 मुकाबलों में 220 रन, 24 का इनका एवरेज है। इत्तिफिकार अहमद एक कुछ ओवर गेंदबाजी कर दे सकते हैं, साथ में ही बल्लेबाजी भी ये ठीक ठाक कर लेते हैं। आप देखोगे इंडिया के खिलाफ 3 मुकाबलों में 30 रन बनाए हैं, 30 का एवरेज है, मतलब नॉट आउट गए होंगे दोस्तों। यदि देखोगे आप बैटिंग बॉलिंग का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, इतने इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं है स्मॉल लीग के हिसाब से, ग्रैंड लीग के हिसाब से इंपोर्टेंट है, आप इन्हें ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद बात की जाए आसिफ अली, एज अ फिनिशर आपके लिए बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे आसिफ अली, और दोस्तों काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इंडिया के खिलाफ जो मैच जिताया था ना दोस्तों, इनकी ही बदौलत ये मैच जीते थे। यहाँ पर देखो कि 3 मुकाबलों में 25 रन किए हैं, इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने इन्हें आउट भी बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन प्लेयर इंपोर्टेंट हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। इनके दोस्तों रिकॉर्ड पर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत कम बल्लेबाजी इनकी आती है। बात करें सदाब खान, इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, रोहित शर्मा प्लस विराट कोहली इन दोनों को परेशानी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये परेशान कर सकते हैं। इनका देखोगे 3 मुकाबले इंडिया के खिलाफ खेले हैं और 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं, 24 का एवरेज है दोस्तों, और ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं यदि इन्हें प्रमोट किया जाता है। रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों, थोड़ा रिकॉर्ड मैं शॉर्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद नवाज का यदि आप देखोगे इंडिया के खिलाफ 2 मुकाबलों में 33
रन। और जो इंडिया के खिलाफ मैच जीती थी ना दोस्तों एशिया कप में, वो नवाज की बदौलत ही ये जीते थे। और चार विकेट भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ निकाले हैं, इंपोर्टेंट पिकअप के लिए हो सकते हैं हेड टू हेड के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात की जाए नसीम शाह, ये दोस्तों राहुल को परेशान कर सकते हैं, केएल राहुल को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि लाइन टू लाइन गेंदबाजी करते हैं और इनके पास स्विंग है भुवनेश्वर कुमार जैसी स्विंग है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार से थोड़ी पेस इनके पास ज़्यादा है। प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। आप देखोगे इंडिया के खिलाफ दो इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की है, तीन विकेट चटका है। ओवरऑल यदि इनका देखोगे तो 11 विकेट है 9 मुकाबलों में। शहनशाह अफरीदी ये काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इंडिया के खिलाफ हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस ही करते हैं, एक इनिंग्स के लिए तीन विकेट चटका है। रोहित शर्मा को आउट किया था दोस्तों उसमें, विराट कोहली को भी आउट किया था और शायद एक प्लेयर और किसी को आउट किया था। तो प्लेयर इंपोर्टेंट है, आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो। 40 मैच की 40 इनिंग्स में 47 विकेट इन्होंने चटका है, प्लेयर इंपोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। हैरिस राउफ जो कि डेथ ओवर में आपके लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। इनका देखोगे इंडिया के खिलाफ तीन मुकाबलों में दोस्तों दो विकेट इन्होंने चटकाए हैं और टोटल दोस्तों 50 T20 मुकाबलों में 64 विकेट चटकाए हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर किसी और को खिलाते हैं ना तो अपडेट मैं टेलीग्राम पर करूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों हमने एक कॉम्बिनेशन रेडी कर रखा है, उसे आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपके लिए डायरेक्ट टीम के फाइनल कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोई भी अपडेट दूंगा या कुछ भी होगा टेलीग्राम पर दूंगा, और जो फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन आफ्टर टॉस वो भी टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो रिजवान को ट्राई किया है मैंने, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, विराट कोहली और दोस्तों यहाँ पर बाबर आजम, यहाँ पर रोहित शर्मा को मैंने ड्रॉप किया है, आप चाहो तो उन्हें ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हार्दिक पांड्या, मोहम्मद नवाज को ऑलराउंडर सेक्शन में ट्राई किया है। बॉलिंग सेक्शन में आप देखोगे तो अफरीदी हैं, समी हैं, अर्शदीप सिंह हैं और नसीम शाह हैं। दोस्तों कोई भी चेंजेस होगा तो अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी, प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन आफ्टर टॉस वो भी आपके लिए टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है, तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करना हमारा बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।